ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। जेडीयू उम्मीदवार गिरधारी यादव के पक्ष में प्रचार के लिए इस दौरान केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी रैली में मौजूद हैं। रैली में नीतीश कुमार ने जेडीयू उम्मीदवार गिरधारी यादव के पक्ष में प्रचार किया और विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। इतनी गर्मी में और धूप को बर्दाश्त करते हुए आप जो इस चुनावी सभा में शामिल हुए हैं, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूं और हम सब लोगों की प्रतिबद्धता है कि जो अंबेडकर साहब ने संविधान की रचना की, जिसको संविधान सभा ने मंजूर किया, पूरे देश ने जिसको स्वीकार किया, अंगीकार किया, आज उस पर जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है, वही हमारे देश को आगे ले जाएगा और वही समाज को बेहतर बनाएगा। आज खुशी की बात है कि हम लोगों के एनडीए के जो उम्मीदवार हैं भाई गिरधारी यादव जी, इनका भी आज जन्मदिन है, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और आज का दिन तो बहुत अच्छा दिन है, तो मुझे पूरी उम्मीद है और जैसा कि आपने अभी अपना आशीर्वाद दे दिया आदरणीय रामविलास पासवान जी के पूछने पर, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और देखिए, हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं, कुछ लोग समाज में झगड़ा लगाते हैं, जिनको काम में कोई दिलचस्पी नहीं है वो समाज में कटुता पैदा करके झगड़ा लगाना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर लोग झगड़ेंगे, समाज विवादित हो जाएगा, तो उसका एक हिस्सा बहुत आसानी से उनको साथ मिल जाएगा। इस चक्कर में समाज को बांटने की लोग कोशिश कुछ लोग करते हैं और हम लोग समाज को जोड़ने की कोशिश करते हैं, एकजुट रखने की कोशिश करते हैं और सबकी सेवा करते हैं। आपने देखा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल से देश में जो काम हुआ, देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, लोगों का मान सम्मान बढ़ा है, आतंकवाद के खिलाफ जो उन्होंने त्वरित और कड़ी कार्रवाई की है उसको लेकर के आज देश भर के लोगों को भीतर से आत्मसम्मान का भाव, तो ये सब काम उन्होंने किया और उसके अलावे देश के विकास का भी किया। उसके अलावे समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए जो उन्होंने काम किया, चाहे गरीब गुरबा परिवार को रसोई गैस का सिलेंडर प्रदान करना, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को इलाज के लिए 1 साल में 5 लाख रुपए तक देने की स्कीम बनाना, और अभी हाल में जो किसानों के लिए स्कीम बनी है कि हर किसान को 1 साल में 6,000 रुपए की सहायता देंगे, और कुछ लोग कर्ज माफी की बात करते हैं, कई तरह की बात। सबसे बड़ी बात है किसानों के लिए कि जब वो खेती करते हैं तो उनको उसमें पैसा लगाना पड़ता है, और जो उनको लागत लगती है अगर उसमें हम सहायता कर देंगे तो सबसे ज्यादा फायदा किसान को होगा, क्योंकि उसकी जो भी आमदनी होगी उसमें लाभ उनको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उनको पैसा कम खर्च करना पड़ेगा लागत में। तो यह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मैं तो इसके लिए बधाई देता हूं मोदी जी को, और बिहार के लिए भी काम किया, हर राज्य के लिए काम किया। अपने बिहार में सिर्फ सड़क और पुल के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत करके उस पर अमल करना प्रारंभ किया है, ये मामूली बात है। और क्या नहीं हुआ आप बताइए, यहाँ का जो रिफाइनरी बरौनी रिफाइनरी है उसकी क्षमता को बढ़ा दिया, वहां पर खाद का कारखाना दशकों से बंद था, नए सिरे से खाद का कारखाना शुरू करने के लिए उसका शिलान्यास किया है, यूरिया का उत्पादन होगा, बिहार को जितनी जरूरत है उसके अलावे देश के अन्य हिस्सों के लिए,
और वो भी गैस के माध्यम से यूरिया का उत्पादन होगा, नीम लेपित यूरिया का उत्पादन होगा। राजधानी पटना है सबका, पटना मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी गई, तो एक तरह से अनेक चीजों में केंद्र की सहायता मिली। तो हम लोग तो चाहते हैं कि केंद्र में मोदी जी की फिर से सरकार बने, ताकि बिहार पिछड़ेपन से छुटकारा पाए और आगे बढ़े। और हम लोगों ने, आप लोगों ने मौका दिया है 13 साल से काम करने का, हम लोग तो लगातार काम कर रहे हैं। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कई बातों की चर्चा कर दी है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। एक एक क्षेत्र में काम, सड़क का काम हो, पुल का काम हो, और फिर पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबके क्षेत्र में जो काम हुआ, बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते थे, उनको स्कूल पहुंचाने के लिए 12.5% बच्चे, और उसके बारे में हम लोगों ने इसका सर्वेक्षण किया और उसका आकलन किया कि आखिर कौन से बच्चे हैं जो स्कूलों के बाहर रह जाते थे। 12.5% जो स्कूलों के बाहर रह जाते थे गरीबी के कारण, उन बच्चों में सबसे ज्यादा संख्या दलित महादलित परिवार की और अल्पसंख्यक समाज। तो हम लोगों ने दोनों के लिए केंद्र खोलकर टोला सेवक, तालमी मरकज, स्वयं सेवक के माध्यम से पढ़ाकर उनको स्कूल तक पहुंचाना शुरू किया, और आज अब स्कूल से बाहर रहने वालों की संख्या बहुत न के बराबर। तो ऐसी स्थिति हम लोगों ने एक एक चीज में किया, तो काम में हम लोगों का यकीन। और अब देख लीजिए, महिला सशक्तिकरण, बिहार पहला राज्य है महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में, नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया गया। हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के में चेतना जागृत करना, उनको सशक्त करने की कोशिश की है जीविका कार्यक्रम के जरिए। लड़कियां स्कूल कम जाती थी, पोशाक योजना, साइकिल योजना के माध्यम से लड़कियों को स्कूल में पहुंचाया, और अब महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण दे दिया। अब पुलिस सेवा में भी आरक्षण है, पहले कहां आपको पुलिस में महिला दिखती थी, अब आजकल पुलिस बल में महिला दिखेगी, यहां पर भी दिखेगी, और जहां जाइएगा वहां पुलिस बल में महिला दिखेगी। और महिलाओं का प्रतिशत पुलिस बल में बिहार में जितना है देश के किसी राज्य में नहीं। तो एक एक क्षेत्र में उसी तरह से दलित महादलित के लिए काम किया हम लोगों ने। आजाद से हम सब लोगों ने इनको माला पहना दिया, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने हाथ उठाकर आश्वस्त किया है। और जरा देख लीजिए कि इनके सामने आश्वस्त किए, ऊपर ताक रहे कौन है, सूर्य के सामने, सूरज के सामने आश्वस्त किया है। यही धरती सूरज के ऊपर ही निर्भर है, तो उनके सामने हाथ उठा करके बोले हैं तो भूलिएगा मत। और मुझे पक्का विश्वास है कि एक एक वोट दीजिएगा। और एक बात मैं अपनी बहनों को कहना चाहता हूं, देखिए 18 तारीख को वोट पड़ेगा, उस दिन आप सुबह में खाना मत बनाने लगिएगा, पहले जाकर के वोट दे दीजिएगा और तब जाकर घर में खाना बनाइएगा। पहले मतदान तब जलपान, और वोट देकर आइएगा, घर में खाना बनाइएगा, खाइएगा। और एक और बात कहेंगे कि घर के जो मर्द लोग हैं वो आपके हिसाब से जाकर वोट देकर के आवे, उनको भर पेट प्रेम से खिलाइएगा, और जो आपकी बात नहीं माने उनको दिन भर का उपवास करा दीजिएगा। मैं ही अपनी बहनों से अपील करूंगा। बाबा साहब अंबेडकर थे और गांधी थे, जिनके कारण अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को विधानसभा में, लोकसभा में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का काम हुआ। और मित्रों, कोई भी आदमी उस आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता है, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। और जब तक नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और रामविलास पासवान है, कोई भी व्यक्ति पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासी के आरक्षण से न तो कोई छेड़छाड़ कर सकता है और उसको खत्म करने की हिम्मत कर सकता है। और मित्रों, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिन्होंने बिना दलितों के, पिछड़ों के आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना इस देश के ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी 10% का आरक्षण देने का काम किया था।
मैं राजद कांग्रेस के नेताओं से जानना चाहता हूं, आज तक आपने आरक्षण क्यों नहीं दिया और क्यों नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण देने का काम किया? चाहे राजपूत हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, कायस्थ हो, इन जाति के लोगों को आरक्षण नहीं मिलता था। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने केंद्र की तर्ज पर बिहार में भी सरकारी नौकरियों में ऊंची जाति के गरीब लोगों को और 10% का आरक्षण देने का काम किया है। मेरे मित्रों, नीतीश जी 13 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जी 5 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन वर्षों में बिहार में इतना काम हुआ है कि राजद कांग्रेस को 3 जन्म लग जाएगा तो भी इसको 100वां हिस्सा भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इतना काम करके दिखलाया है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने। मेरे मित्रों, आपके बगल में घोघा पंजवारा सड़क 376 करोड़ की लागत से और टेंडर हो गया, बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। अकबर नगर अमरपुर 220 करोड़ की लागत से, इसके पहले के कभी किसी ने सोचा भी था क्या कि हर घर के अंदर बिजली पहुंचेगी, हर गांव की सड़क बनेगी? और मैं बांका के लोगों से जानना चाहता हूं, कोई ऐसा गांव है जहां बिजली नहीं पहुंची? कोई ऐसा टोला है जहां बिजली नहीं पहुंची? हमारी सरकार ने गांव गांव, घर घर और बिजली पहुंचाने का काम किया है और इस साल का 31 दिसंबर पार नहीं होने देंगे। अभी तो केवल घर घर बिजली पहुंची है, इस साल के अंत तक हर खेत तक बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। आज आप माननीय हमारे सम्मानित तीनों नेता का बात सुनने आया है, हम बीच में दीवार नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन एक बात आप जानते हैं कि जो बिहार में जो विकास की बहार आई है उसमें माननीय हमारे जब से गठबंधन में आए हैं सुशील मोदी जी, रामविलास पासवान जी और नीतीश जी, तब से बिहार का चौमुखी विकास हुआ। आप सब जानते हैं बिहार किस बदहाल स्थिति में था, वो आप किसी से छुपा हुआ नहीं है, आप सब इस बात से सही वाकिफ है। और हमारे जो यहाँ से अभी एमपी के प्रत्याशी है, फ्रेम कनेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, प्रकाश नारायण यादव जी, वो बिहार सरकार में सिंचाई मंत्री भी रहे, जल संसाधन मंत्री रहे, आपको लघु जल संसाधन मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे, भारत सरकार में लघु जल संसाधन लगातार इस देश और राज्य के मंत्री रहने का उनको गौरव प्राप्त हुआ। लेकिन एक भी काम इन 15 सालों में वो नहीं गिना सकते हैं, हमने फलाना काम बांका के लिए या बिहार के लिए कर दिया, कोई काम नहीं। जो काम हो रहा था जब सिंचाई मंत्री थे, जो डैम बन रहा था उस डैम को जन समस्या में छोड़ दिया, जब शिक्षा मंत्री थे पूरी शिक्षा व्यवस्था बिहार की चौपट करने का उन्होंने काम किया। इसलिए आप जानते हैं एक भी काम भारत सरकार के स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर जब मंत्रिमंडल में थे, मंत्रिमंडल को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त करती है, मंत्रिमंडल इस देश में बड़ा से बड़ा निर्णय करके फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन एक भी काम अपने निजी में नहीं किया, आप सब जानते हैं। और जहां तक भ्रष्टाचार के मामले में है, भ्रष्टाचार के मामले में माननीय जयप्रकाश नारायण यादव जी जब जेल गए थे उसमें राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, राबड़ी देवी जी के मुख्यमंत्री के दस्तक थे, जयप्रकाश नारायण यादव जी भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए थे, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और लोग कहते हैं भ्रष्टाचार में किसी ने किसी को फंसा दिया, हम जानते हैं रामविलास पासवान जी उसमें भारत सरकार के मंत्री थे, मैं भी 96 में एमपी का, और जब लालू जी जेल गए थे उसमें भारत के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे और इंद्र कुमार गुजराल को बनाने वाले लालू यादव जी थे, आप सब जानते हैं। अपने राज में वो जेल गए, लालू जी के राज में राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री काल में भ्रष्टाचार के मामले में कौन जेल गया भाई? जयप्रकाश यादव। लालू जी कब जेल गए? जब वो खुद प्रधानमंत्री बनाए थे गुजरात जी को, उस समय जेल गए। किसी पर आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, ये तो विपक्षियों का काम है। आप के पहले भी प्रतिनिधि रहे हैं और ये सिर्फ जनता दल यू के ही उम्मीदवार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, लोजपा जो हमारा गठबंधन है, एनडीए है, इसके उम्मीदवार हैं। ये नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के उम्मीदवार हैं। ये देश का चुनाव है, आपका एक एक वोट जो गिराइएगा वो दिल्ली में
इनके पक्ष में जो भी वोट पड़ेगा वो नरेंद्र मोदी जी को पड़ेगा। आप जानते हैं कि बहुत काफी सालों के बाद दिल्ली में और बिहार में एक सरकार एनडीए की सरकार बनी है, और जब से एनडीए की सरकार बनी है, नीतीश जी पहले भी मुख्यमंत्री थे, अभी भी हैं, बिहार में बहुत ही तेज गति से विकास हो रहा है। पटना में मेट्रो जब जाइएगा, साल भर के बाद देखिएगा, नीचे में कार चल रही है, ऊपर से ट्रेन चल रहा है। 36,000 करोड़ रुपया अभी आए थे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने दिया। फर्टिलाइजर कारखाना बंद था, उसको जारी करने का काम किया। एक गरीब को क्या चाहिए? एक गरीब को 5 चीज चाहिए। एक चाहिए घर, घर बन रहा है, और प्रधानमंत्री ने कहा है कि आजादी के 75 साल 2022 तब कोई गरीब नहीं रहेगा। तो बांका में एनडीए के उम्मीदवार गिरधारी यादव के पक्ष में बड़ी चुनावी सभा हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रामविलास पासवान और